Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jaisa ki aap jante hain ki jannat mein kai darjaat hain aur iska baqaida mukhtalif darjaat ka ek ek karke hum zikr pehle kar chuke hain aur mukhtalif jannaton ke namon ka bhi zikr kar chuke hain. To dekhiye, Allah taala ka ye muqarrar karda qaida hai ki jitna zyada nek aur muttaqi shakhs hoga jannat mein uska utna hi ala maqam hoga, utni hi badi shaan hogi. Jannaton mein sabse ala jannat Jannatul Firdaus hai jo Allah ke arsh ke niche hai aur jahan se jannat ki nehrein bhi nikalti hain aur phir baaki jannaton mein ghoomti hui aage badhti jati hai. आला से आला कई जन्नतें हैं कि जहाँ जन्नती अपने मुकाम और मर्तबे के मुताबिक रहेंगे. जन्नती का जितना ऊंचा दर्जा होगा, जितना वो अल्लाह करीम के ज़्यादा करीब होगा, इतनी ही आला और शानदार जन्नत में दाखिल होगा. जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं और हर दो दर्जों के दरमियान इस कदर मुकाम और मर्तबा और हैसियत का फ़र्क है जैसे हदीस मुबारका में आता है कि सहाबा से हुज़ूर ने फरमाया कि वो जो आसमान में चमकते सितारे देखते हैं ना, ऐसा फ़र्क है जन्नत के दर्जात. तो यूँ समझ लें कि एक दर्जे के जन्नती अगर ज़मीन पर हैं तो उससे आला दर्जे का जन्नती गोया आसमान पे चमकता सितारा के मानंद है. तो ज़मीन व आसमान का सा फ़र्क है उनमें. तो गोया आप ये समझ लें कि वहाँ पर भी एक आसमान है. बाज़ उलमाए कराम ने सूरह इब्राहिम की आया नंबर 48 को भी यूँ देखा है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़मीन को ज़मीन से बदल दिया जाएगा और आसमान को आसमान से बदल दिया जाएगा, तो वो फिर जन्नत के आसमान की तरफ उनका इशारा जाता है. एक तफसीर उस आयत की ये भी आती है बाज़ तफासीर में कि क्योंकि ये जन्नतें निचले दर्जे वालों को आसमान के सितारों की तरह चमकती नज़र आएँ. तो जन्नतों के जो दर्जात हैं, दर्जे तो बहुत सारे हैं. हाफिज़ कुरान हर आया के बदले जो उसने हिफ्स किया एक दर्जा चढ़ता चला जाएगा. और जन्नतों के दर्जात में से बाज़ रिवायत में कि 100 दर्जे तो अल्लाह ने सिर्फ मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह के लिए मखसूस कर दिए हैं, 100 दर्जे तो सिर्फ उनके लिए हैं, यानी मुजाहिदीन के लिए 100 किस्म की जन्नतें हैं. इसके अलावा जन्नत के दूसरे दर्जे दीगर अहले ईमान और दीगर अहले इल्म के लिए हैं. तो गौर करो कि अगर मुजाहिदीन के लिए 100 दर्जे मखसूस हैं तो सारी जन्नत में कितने दर्जात होंगे. और कुरान करीम की तो 6200 से ज़ायद आयात हैं, हर आयत पर एक दर्जा है, जिसका अंदाज़ा आप देखें ना. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात चढ़ता जा, यानी एक एक आयत पढ़ और जिस जन्नत में खड़ा है इससे आला जन्नत में चला जा, और फिर आयत पढ़ता जा और आला से आला जन्नत में पहुंच जा. तो आप देखें हाफिज़ कुरान की स्पीड ऑफ ट्रैवल क्या होगी, किस स्पीड से वो ट्रैवल करेगा कि एक आयत पर एक दर्जा, यानी एक आयत पर ज़मीन से ओ सितारों पर कमंद, और इस तरह ठहर ठहर कर तिलावत कर जैसे तो दुनिया में ठहर ठहर कर तिलावत किया करता था. और तेरा मुकाम आखिरी आयत के ख़त्म होने पर होगा, यानी जिस जन्नत में तू हिफ्स की हुई आखिरी आयत पढ़ेगा वही जन्नत तेरा मुकाम होगा, और वहीं तू अपने महलात में ऐशो आराम करेगा. इस पर और भी मज़ीद नेमतें होंगी. तो अब ये जो है मुस्नद इमाम अहमद में भी ये रिवायत आती है और ये दर्जा सही की रिवायत है. तो इसे आपके जो अल्बानी साहब हैं उन्होंने भी इसको सही अलजामिया सगीर में हदीस 8122 के तहत जो आती है ना ये रिवायत, इसको इन्होंने दर्जा सही की करार दी. अब आ जाएं इब्नुल कय्यम की तरफ. वो इस हदीस को जिक्र करने के बाद कहते हैं कि हदीस वाज़े तौर पर बतला रही है कि जन्नत के दर्जे 100 से बहुत ज़्यादा हैं. और फिर इसको अल-हादी अल-अरवाह इला बिलादिल अफराह इसके पेज नंबर 113 पर उन्होंने इसे रिवायत किया, इसे नकल किया, इनकी स्टेटमेंट आ दी है. अच्छा, जन्नत और जन्नतियों के मरातब को एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने यूँ भी वाज़े फरमाया है कि आम अहले जन्नत अपने ऊपर वाले आली और बुलंद मुकाम पर फ़ायज़ जन्नतियों को बड़ी मेहनत और तकल्लुफ़ से देख सकेंगे. तो मशरक़ या मगरब के किनारे रोशनी छा जाने के बाद चमकदार सितारे को बमुश्किल देख पाते हो. इन जन्नतियों के दोनों गिरोहों के दर्जात में इस कदर फासला होगा, यानी आसमान पर जैसे सितारे देखते हो आप, और वो भी फिर यू नो जब रात ढंप जाती है. बहरहाल इसके अलावा आम जन्नत भी यकसा मुकाम मरतबे की नहीं होगी, बल्कि जन्नत के हर दो दर्जों के दरमियान बहुत फासला होगा. अब इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए
सबसे अदना तरीन मुकाम के जन्नती की शान बयान फरमाई गई है कि आला तरीन जन्नती को क्या क्या मिलेगा, इसको क्या क्या शानें और क्या क्या मरातब मिलेंगे, इसकी तो सही अहादीस मुबारका में वजाहत नहीं मिलती। अलबत्ता अदना और कम तरीन जन्नती का तस्करा ज़रूर मिलता है, बाज़ रिवायात मौजूद हैं बाज़ नेमतों से मुतालिक, लेकिन ये अदना दर्जे के जन्नती का जिक्र करने का मकसद यह है कि यहाँ से अंदाज़ा कर लो कि फिर आला तो तुम्हारी फहम व फिरासत और अक्ल और ख्याल और गुमान से बहुत आला शय है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दरियाफ़्त किया कि जन्नत में सबसे कम मर्तबे वाले को क्या मिलेगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब जन्नत के सब हकदार जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे तो जो आदमी सबसे आखिर में आएगा इससे कहा जाएगा जन्नत में पहुँच चलो, वर्ज करेगा कि ए मेरे रब मैं कहाँ जाऊँ, सारे लोग तो अपनी अपनी रिहाइश गाहों तक पहुंच चुके हैं और अपना अपना हक वसूल कर चुके हैं, उसे वही दुनिया वाला थॉट प्रोसेस होगा भाई मेरे लिए जगह किधर होगी। तो उससे पूछा जाएगा कि जिस कदर दुनिया के किसी बादशाह के पास इलाका हो ना, इस कदर यानी इतनी ही जन्नत अगर तुझे दे दी जाए तो क्या तू इस पर राज़ी हो जाएगा। वो कहेगा ए मेरे रब मैं राज़ी राज़ी हूँ, मैं तो इस काबिल ही किधर था कि जन्नत की शक्ल भी देखता, तू तो जन्नत में भेज रहा है। अल्लाह फरमाएगा अच्छा इस बादशाह की हुकूमत जितना तेरा जन्नत में हिस्सा, और सुन इतना ही और भी, इतना ही और भी, इसके बाद फिर इतना और मजीद इतना, यानी चार बादशाहों जितना इलाका मिल गया और वो भी जन्नत। पांचवी मर्तबा फिर वो जन्नती कहेगा कि परवरदिगार मैं राजी हर तरह से राजी, तो अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और फिर अल्लाह ताला फरमाएगा ये सब तेरा और इसके अलावा मजीद भी 10 गुना तेरे लिए, और हर वो चीज़ तुझे मिलेगी जो तेरा दिल चाहे और तेरी आंख पसंद करे। यानी आप देखें ना 10 गुना बादशाहत दे दी, तू किसी बादशाह को जमीन के कंसिडर कर लेना उसकी 10 टाइम्स तुझे दे दी जा, साथ ही साथ जिस शय पे तेरे दिल आ जाए वो भी तेरी, जो शय तेरी आंख को भा जाए वो भी तेरी। वो आदमी कहेगा ए मेरे रब मैं तो राजी राजी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए रब जन्नत में सबसे आला दर्जे वाले को क्या मिलेगा, अल्लाह ने फरमाया इन लोगों को तो मैंने अपना मुकर्रब बना दिया, बादशाह के बहुत करीब रहने वाले खासुल खास अफराद इनको मुकर्रब कहते हैं, तो मैंने अपने दस्ते मुबारक से इनकी शान और शौकत का खूंटा गाड़ दिया है और इस फैसले पर मोहर लगा दी है। इनके लिए तो ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो किसी आंख ने देखी ना, किसी कान ने सुनी ना, किसी इंसान के वहमो गुमान में ऐसा कोई ख्याल ही गुजरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात की दलील तो कुरान में मौजूद है कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुस सजदा में कि फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुनिन, कि फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडक का सामान इनके लिए जो वहाँ पर छुपा कर रखा गया है उसकी तो किसी को खबर नहीं कि वो क्या क्या कुछ है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है किताबुल ईमान में हदीस नंबर 189। तो अब जन्नत की जो नेमतें हैं वो तो लाजवाल हैं और उसकी गारंटी भी मौजूद है, इस दुनिया की चीज़ें तो भाई फ़ानी है ना, ख़त्म हो जाएंगी, कोठी हो बंगला हो बेहतरीन गाड़ी हो नौकर चाकर हो। अब मुझे आज ही कोई एक हवेली दिखा रहा था पाकिस्तान में जब यहाँ सिखों का राज था, इसलिए तो सरदार कहते हैं ना इन्हें क्योंकि सिख, तो एक किसी सरदार सिंह की बहुत बड़ी हवेली थी, अब वो खंडर बनी हुई, उसमें खंडरात हैं, उसमें रहने के काबिल भी नहीं है, बल्कि अब तो वो भैंसे वैसे कुछ बांध लेते हैं और कुछ चारा वारा डाल देते हैं। तो ये तो हाल है दुनिया की शान और शौकत को, और जब वो रहता होगा तो एक शान और शौकत और ठाट बाट से रहता होगा, बहुत बड़ा उसका एक महल नुमा हवेली थी। तो इससे अंदाज़ा करें दुनिया में नौकर चाकर गाड़ियाँ औलाद बीवी दौलत ज़मीनें वगैरह क्या हैं, सब ख़त्म, बंदा ख़त्म, चीज़ें ख़त्म। तो अब देखे ना मैं ज़िंदा रहूँ लेकिन कहीं ये नेमतें ऐर ऐश मुझसे छिन ना जाए, ये अंदेशा होता है ना इंसान को, नेमतें तो मेरे पास ही हैं लेकिन कहीं मेरी ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए, मैं भी रहूं नेमतें भी रहें लेकिन उनसे लुत्फ ना उठा सकूं। ऐसे लोग भी होते हैं ना, करोड़पति अरबपति हैं लेकिन अपनी ही दौलत से फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये 3 प्रॉब्लम्स दुनिया में अंदेशा बन के सर पर मंडलाती रहती हैं, जन्नत में मसला ही कोई नहीं, जो मर्जी चाहे खाओ, जितना मर्जी चाहे खाओ, जैसा चाहे खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं, कोई आराम में तकलीफ़ नहीं है। देखिए कुरान करीम हमें बताता है सूरतुस सजदा में कि फिर जैसा कि जन्नतियों के लिए इनकी आंखों की ठंडक का सामान इनके आमाल की जजा में इनके लिए छुपा रखा गया है, इसकी किसी जानदार को खबर तक नहीं है। और अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जो किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल भी नहीं गुजरा।
और बुखारी शरीफ में किताब बदुल खल्क में हदीस 3072 भी इस तरफ निशानदेही करती है, और सही मुस्लिम में हदीस 2824 भी इस तरफ निशानदेही करती है। और अल्लाह ताला जो है वो सूरह हूद में फरमाता है कि रहे वो लोग जो नेक बख्त निकलेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे और वहाँ हमेशा रहेंगे। और सूरह बैना में फरमाता है और जो लोग ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमल किए वो मखलूक में से बेहतरीन लोग हैं, इनकी जजा इनके रब के यहाँ ऐसी जन्नतें हैं कि जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और कैफियत क्या होगी, इन जन्नतों के नीचे नहरें बह रही होंगी, यानी वो नहरों में घिरे होंगे। पानी एक बहुत बड़ी नेमत है। और अब आप देखें ना, दुनिया में भी आप बड़े से बड़ा जिंदीक मुलहिद काफिर मुशरिक मुनाफिक ले लें, उसको जो है वो वाटर फ्रंट हाउस चाहिए होता है। हैं, दुनिया की नेमत समझते हैं कि भाई वाटर फ्रंट हाउस मिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं। अच्छा, कुछ के पास बहुत पैसा आ जाए ना तो जाके पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं, अपना जाती आइलैंड वाटर फ्रंट, उस पर घर बनाते हैं। तो अब आप देखें ना, पानी और इंसान का एक कनेक्शन है। बुर्ज खलीफा में चले जाएं तो लोगों को बड़ा शौक़ होता है कि वो नीचे जाएं और नीचे जाके देखें कि अब कि हम अंदर बैठे हुए पानी का नज़ारा करें। हाउ इज़ सी लाइफ, समंदर की ज़िंदगी कैसी है, समंदरी ज़िंदगी का नज़ारा करें। अतराफ व अकनाफ में पानी है, मछलियाँ हैं और जमीन पानी की लाइफ है। ठीक है ना, लोगों को कोरल्स कितने पसंद आते हैं, कोरल रीफ्स। अब अल्लाह ताला ने उसकी तरफ निशानदेही फरमाई है कि तुम तो नहरों में घिरे होगे और तुम्हारी होंगी, तुम्हारी मर्जी से चलेंगी। और अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। और ये सब कुछ है उस शख्स के लिए जिसने अपने रब से खौफ किया, यानी वो डर गया कि आखिरत में उसने अपने आमाल का जवाब देना है। बस तो साबित क्या हुआ कि जन्नत में जाने वाले मुत्तकी अहले ईमान को बतौर जजा जो जन्नतें अता की जाएंगी वो मुस्तकिल और हमेशा रहने वाली होंगी। इनकी रिहाइश भी वहाँ हमेशा हमेशा होगी। जन्नती जो है उससे उसका रब राज़ी होगा और हमेशा उसको नेमतों में रखेगा और कभी उन नेमतों को उससे नहीं लिया जाएगा, कभी लाजवाब नहीं होंगी, बढ़ती जाएगी। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल आराफ में कि ऐलान करने वाला अब आवाज़ें बुलंद पुकारेगा कि जन्नत वालों, अब तुम यहाँ हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार ना होगे, हमेशा ज़िंदा रहोगे, कभी मौत ना आएगी, हमेशा जवान रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होगे। तो अल्लाह ताला के इस फरमान की यही तफसीर है कि फरमाया कि इस वक्त निदा आएगी कि ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो तुम्हें इन आमाल के बदले में मिली है जो तुम करते रहते। तो सूरह आराफ में जो आया नंबर 34 से आया नंबर 37 तक अगर आप देखें। अच्छा, और इस वक्त किसी को मौत कैसे आएगी कि इसे एक देखे ना, मौत को तो अल्लाह ताला ने जन्नतियों के सामने ज़िबा कर देगा, एक मेंढे की शक्ल में लाकर अहले जन्नत और अहले दोजख की आंखों के सामने उसे ज़िबा कर दिया जाएगा, यानी मौत को परसोनिफाई करके सामने ले आ जाए लेके आया जाएगा। देखे ना, आप सूरतुल मुल्क की तिलावत करते हैं उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मैंने ज़िंदगी और मौत को तख्लीक किया है। आती है ना आया मुबारक सूरतुल मुल्क में कि गोया ज़िंदगी भी कोई शय है और मौत भी कोई शय है, उसकी तख्लीक है, उसको तख्लीक किया गया है। तो अब उसकी जो तख्लीक है उसको पर्सोनिफाई करके एक शक्ल सूरत देकर मेंढे की शक्ल में लाकर जन्नतियों और दोजखियों के सामने ज़िबा कर दिया जाएगा कि अब मौत नहीं है। तो ना जन्नतियों को मौत है ना दोजखियों को मौत है। इसलिए दोजखी जब अजाब में होंगे तो क्या कहा कि वो ऐसी कैफियत होगी कि ना जिंदा होंगे ना मरे हुए होंगे। اللهم اجرنا من عذاب القبر اللهم اجرنا من عذاب النار اے اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا آمین تو ان کے لیے تو بڑا سخت عذاب علیم ہے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ قیامت کے روز موت کو لایا جائے گا گویا وہ سفید و سیاہ مینڈھا ہے اسے جنت اور دوزخ کے عین درمیان لا کر کھڑا کیا جائے گا پھر بلند آواز سے پوچھا جائے گا اے جنت والوں کیا تم اسے جانتے ہو وہ گردنیں لمبی کر کے دیکھتے ہوئے کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے اور جہنم والوں کو پکار کر پوچھا جائے گا کہ وہ بھی گردنیں اونچی کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو ذبح کرنے کا حکم جاری ہوگا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا پھر آواز لگے گی کہ اے جنت والوں تم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے کبھی کسی کو موت نہیں اور اے جہنم والوں تم نے بھی ہمیشہ یہیں رہنا ہے تمہیں بھی اب کبھی موت نصیب نہیں ہوگی صحیح البخاری کی روایت ہے تفسیر سورہ مریم کی جو تفسیر ہے اس کے تحت یہ حدیث نمبر 4453 اور پھر صحیح مسلم میں بھی کتاب الجنۃ وصفتی نعیمہا میں یہ حدیث نمبر 2849 کے تحت متفق علیہ روایت ہے یعنی اہل جنت کے لیے گارنٹی گارنٹی ہوگی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ تم نے رہنا ہے دائمی زندگی ہے نعمتوں میں رہو گے اللہ کے عطا کردہ فضل و کرم میں رہو گے اس کی رضا میں رہو گے یہ گارنٹی تمام ہر قسم کے وسوسوں اور اندیشوں سے پاک ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हों, अल्लाह की रज़ा के साथ बग़ैर हिसाब के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस हो, अल्लाह ताला का दीदार हो, और हमें अल्लाह माफ़ करे हमारे अहल को, हमारे माँ बाप को, हमारी आल को, हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को अल्लाह माफ़ करे जो हिदायत में नहीं, उन्हें अल्लाह हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम वबारिक अला सय्यदिना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyed Saad Qadri.